We are the best copy masters, Indians. हाँ हम भी है ना, चाइना होगा, हम भी है ना सबसे बड़ा. देखो अभी ये सोचने जैसा है कि उबर आया तो हमने उसका इंडियन बना दिया ओला. ओला ये अपना है, वेरी गुड. स्टारबक्स आया इंडिया में, आया उसके पहले उसकी कॉपी इंडिया में चल रही थी जिसका नाम था सीसीडी, काफी कॉफी डे. अगर आप स्टारबक्स में जाके बैठे हो और आप सीसीडी में भी जाके बैठे हो तो आपको पता है कि दोनों में फर्क क्या है. कितने लोग दोनों जगह पर जाके बैठे हैं तो आपको फर्क पता है, फर्क पता है आपको, राइट? कि कॉपी क्या है, कौन से, व्हाट इज कॉपी और व्हाट इज ओरिजिनल. व्हाट इज ओरिजिनल, बराबर ना? अगर आपने उबर का सर्विस यूज किया है और ओला का सर्विस यूज किया है तो आपको पता चलेगा कौन सी सर्विस बेहतर है. कौन सी सर्विस बेहतर है? इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूं और मेरे को अमेरिकन अच्छा लगता है, लेकिन ये हकीकत है. ये हकीकत है. उबर के ड्राइवर की ट्रेनिंग, व्हीकल की क्वालिटी, डेफिनेटली प्रोसेसेस, काम करने का सारा सब कुछ इतना सिंपल, इतना अच्छा, बेहतर होगा, ओला मैच नहीं कर पाएगा. प्राइसेस भी होंगी. ओके, सिमिलरली एयरबीएनबी आपको मालूम है एज ए कंसेप्ट, ठीक है? ऑफ कोर्स ओयो वही नहीं कर रहा है लेकिन सिमिलर लाइन पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. आज एयरबीएनबी में बहुत सारे लोग जाके होटल की जगह पे रूम्स बुक करते हैं इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में. अपने यहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ओयो आप यूज कर रहे हो? आप में से कितने लोग ओयो नाम की ब्रांड से, ओयो की वेबसाइट या ऐप यूज करते हो? बहुत कम, बहुत कम, बराबर? क्योंकि वहां पे भी क्वालिटेटिव डिफरेंस है. सो ये कॉपी करने का जो कल्चर है ना, कहां से शुरू हुआ है मालूम है? सबसे बड़ी कॉपी क्या है इंडिया की? बॉलीवुड. सोचो बॉलीवुड क्यों? क्योंकि सामने वहां पे क्या था? हॉलीवुड था, तो हमने उसका बॉलीवुड कर दिया, राइट? फिर तो तमिल का टॉलीवुड, कॉलीवुड, पॉलीवुड, गॉलीवुड, कुछ पता नहीं क्या क्या, कितने सारे वुड आ गए फिर, समझे? ये कॉपीइंग है. लेकिन क्या उबर का कॉपी करने से ओला उसके जैसा बन जाए, अरे ओला उसके जैसा बन जाएगा? नहीं बनता है. हम फर्क देखते हैं. तो क्या फर्क है दोनों के अंदर, फर्क क्या है? बिजनेस की ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग होती है, दैट इज द डिफरेंस.